नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रिवीजन चैनल में। आज हम देखेंगे बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादनकर्ता। चलिए देखते हैं। पहले एक साइड देखेंगे हम सिद्धांत, जैसे कि आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रतिपादनकर्ता। तो पहला जो प्रतिपादनकर्ता हमारे थार्नडाइक है, और थार्नडाइक के सिद्धांत देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, तीसरा है अधिगम का बंद सिद्धांत, चौथा है संयोजनवाद का सिद्धांत, पांचवा है अधिगम का संबंध सिद्धांत, फिर SR थ्योरी, आवृत्ति का सिद्धांत। तो ये सारे जो साथ के साथ सिद्धांत दिए हैं, ये सभी थार्नडाइक ने दिए हैं। दो नंबर का क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पावलॉक। पावलॉक के कितने नियम हैं? पांच नियम सिद्धांत दिए हैं। फर्स्ट है अनुक्रिया द्वारा अधिगम, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, परंपरागत अनुबंध सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अब देखते हैं स्किनर। स्किनर के कौन कौन से सिद्धांत हैं? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, सक्रिय अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अचानक अनुबंधन सिद्धांत, अपरेंट कंडीशन थ्योरी, अभिप्रेरणा का लक्ष्य निर्धारित सिद्धांत, अभिप्रेरणा का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। अब देखते हैं गेट्स का। गेट्स ने जो दिया है वो पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है और अनाभ्यास का सिद्धांत दिया है। फिर बात करते हैं सिगमंड फ्रायड की। तो साइक्लो एनालिटिक थ्योरी या मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी जो दी है वो थार्नडाइक सिगमंड फ्रायड ने दी है। फिर देखते हैं सूचना प्रक्रिया सिद्धांत जो दिया है कार्ल रोजर्स ने और असोबेल ने दिया है। फिर है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ये जेम्स एवं वर्ट। अप्रत्याशात्मक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है बंडूरा ने। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम सोच का सिद्धांत, छड़ीनुमा सिद्धांत, संदूक संबंधी सिद्धांत, समग्रकृति सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, समग्र सिद्धांत दिया है कोला ने। प्रबलन का सिद्धांत या विधिक सिद्धांत दिया है CL हल ने। अनुकरण द्वारा अधिगम दिया है एग्रटी ने। स्थान परता का सिद्धांत या समीपता का सिद्धांत दिया एडविन गुथरी ने। फिर देखते हैं उद्देश्यवाद का सिद्धांत, एडवर्ड टॉलमैन ने। अन्वेषण का सिद्धांत ब्रूनर ने दिया है। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत और प्राप्त अधिगम का सिद्धांत दिया है सुबेल ने। मांग का सिद्धांत अब्राहम मास्लो ने। आवश्यकता का सिद्धांत, आशावादी सिद्धांत, मानवतावादी व्यक्तित्व सिद्धांत अब्राहम मास्लो ने दिया है। भाषा अर्जित करने का सिद्धांत जो चोमस्की ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर ने दिया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत हर्ट्ज़बर्ग मास्लो ने दिया है। पारिस्थितिक परक सिद्धांत ब्रोन फ्रेम ब्रेनर ने दिया है। विपरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने दिया है।